मैंने आई गेस, वो भी मुझे बुक से रीड करवाना है आप लोगों को। ये है, वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें हम कल बात कर रहे थे ना, हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे थे उसके, हैंस स्पीमन अंकल के। हैंस स्पीमन अंकल के साथ एक और आंटी थी, वो भी आ गई इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। मैंगोल्ड नाम था उनका। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में इन लोगों ने किया क्या, यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ एक आपको नजर आ रहा है एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो आपको ये नजर आ रहा है। स्टेज कौन सी है? कैस्ट्रूला, जिसमें थ्री जर्मिनल लेयर्स अराइज हो चुकी हैं। आपको पता है एक्टोडर्म होगी, मीजोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, दो अलग अलग एम्ब्रियो लिए, ठीक है। एक एम्ब्रियो, अच्छा ये वाला जो ये है, इसका ब्लास्टोपोर, ये जो है ना, ये ब्लास्टोपोर है। तो ब्लास्टोपोर के ये वाला जो लिप है, इसे हम कहते हैं डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, राइट। अब इस इंडिविजुअल का डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ये रहा, इस एम्ब्रियो का डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर ये रहा, ठीक है। अब इससे पहले हैंस स्पीमन अंकल बहुत सारे एम्ब्रियो की जिंदगियां बर्बाद कर चुके थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, इन्होंने एक और एम्ब्रियो की जिंदगी बर्बाद करने का सोचा हुआ। किया ये इन्होंने कि एक एम्ब्रियो के डॉर्सल लिप की ये जो एक्टोडर्म थी, इसे यहाँ से रिमूव किया और इसको दूसरे एम्ब्रियो की इस बेली रीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर अटैच कर दिया। कुछ टाइम के बाद ये हील अप हुआ और ये इसी का पार्ट बन गया, ठीक है। एक्टोडर्म ली एक एम्ब्रियो के डॉर्सल लिप से, जिसने इस एम्ब्रियो की डॉर्सल साइड बनानी थी, यानी कि यहाँ पे क्या क्या बनेगा, नर्वस सिस्टम बनेगा, नोटोकॉर्ड बनेगी एंड ऑल, राइट। इस एम्ब्रियो की नोटोकॉर्ड और न्यूरल केनाल वगैरह वो सब यहाँ बनना था, ठीक है। लेकिन ये वाला साइड जो उसका डॉर्सल सॉरी बेली रीजन बनना था, इस साइड पर इन्होंने दूसरे एम्ब्रियो के डॉर्सल लिप से एक्टोडर्म को उठाकर अटैच कर दिया। अब देखा जब इन्होंने आफ्टर डेवलपमेंट, तो हुआ ये कि ये वाला रीजन तो आराम से डॉर्सल रीजन फॉर्म कर चुका है, जैसे नर्वस सिस्टम फॉर्म हो गया इस डॉर्सल साइड पर, स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म, स्पाइनल कॉर्ड तो खैर नहीं, अभी हम इसकी बात करें तो हम ये कह देते हैं कि यहाँ पर नोटोकॉर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो गई। लेकिन इस बेली रीजन में तो बेली के ऑर्गन्स फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ से डॉर्सल लिप की एक्टोडर्म ली थी, ठीक है, तो इस डॉर्सल लिप की एक्टोडर्म ने खुद तो अपनी न्यूरल कैनाल बनाई, उसके साथ साथ आपको पता है एक्टोडर्म के फौरन बाद क्या होती है, मीजोडर्म, इसके साथ साथ इसने इस साइड की बेली रीजन की मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनवा ली। हमें पता है मीजोडर्म क्या बनाती है, डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड बनाती है, ठीक है, और एक्टोडर्म क्या बनाती थी, न्यूरल ट्यूब बनाती थी, तो वो तो इस साइड पे बनानी ही थी। अब यहाँ पर एक्टोडर्म हमने अटैच करवाई है, ठीक है, तो ठीक है शायद न्यूरल ट्यूब बन जाती, लेकिन नोटोकॉर्ड कैसे बन गई, मीजोडर्म का तो हमने छेड़ा भी नहीं था। हुआ ये कि इससे ये पता चला कि यहाँ पर प्रियोनिक इंडक्शन हुई है, इंड्यूस किया है, ये जो एक्टोडर्म थी इसने इंड्यूस किया है मीजोडर्मल सेल्स को, फोर्स किया है, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया है कि आपने नोटोकॉर्ड बनानी है क्योंकि मैं न्यूरल कैनाल बना रहा हूं या न्यूरल ट्यूब बना रहा हूं, राइट। यानी कि ये सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये एक दूसरे को मैसेज देते हैं, मैं ये बना रहा हूं तुम ये बनाओ। बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर में
हम किसी को इनविटेशन देते हैं, कोई दावत होती है, ठीक है, तो घर की अम्मी या जो भी होती है वो क्या करती है, वो कहती है कि मैं ऐसा करूंगी, बिरयानी बना लूंगी, तुम ऐसा करना, बिरयानी के साथ रायता बना लेना, सैलेड बना लेना, ठीक है। फिर जो बड़ी भाभी होती है वो कहती है मैं ऐसा करूंगी, कबाब बना लूंगी, तुम ऐसा करना कि बिरयानी और कबाब तो हो जाएगा, तुम ऐसा करना कि तुम चिकन कढ़ाई बना लेना, ठीक है। तो सब एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, राइट। इसी तरह ये सेल्स भी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। यहाँ पर जो एक्टोडर्म प्रेजेंट है, ये एक्टोडर्म मीजोडर्म को इन्फ्लुएंस करती है, उसे ये मैसेज देती है कि मैं न्यूरल ट्यूब बना रहा हूँ, तुम इस साइड पे नोटोकॉर्ड फॉर्म करना, ठीक है। अब यहाँ पर से एक्टोडर्म को रिमूव करके इसकी बैली साइड पर लगाया, तो इसने इसकी बैली साइड के रीजन के मीजोडर्मल सेल्स को भी यही मैसेज दे दिया और कहा कि मैं नोटोकॉर्ड बना रहा, ओ सॉरी, मैं न्यूरल ट्यूब बना रहा हूँ, तो तुम नोटोकॉर्ड बनाओ। हुआ क्या, एम्ब्रियो की हो गई जिंदगी बर्बाद। एम्ब्रियो बन गया बेचारा ऐसा, जिसके डॉर्सल साइड के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल अच्छे सही बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे, लेकिन बेली साइड पर भी डॉर्सल रीजन के ऑर्गन्स फॉर्म हो गए। न्यूरल ट्यूब तो फॉर्म होनी ही थी, क्योंकि एक्टोडर्म हमने यहाँ से डॉर्सल टिप से उठाकर लगा दी थी, लेकिन उस न्यूरल ट्यूब ने, यानी कि उस एक्टोडर्म ने मीजोडर्मल सेल्स को क्या कहा, तुम नोटोकॉर्ड भी इस तरफ बनाओ। तो उधर के मीजोडर्मल सेल्स तो इस इधर की एक्टोडर्म के इन्फ्लुएंस में काम कर ही रही थी, नोटोकॉर्ड बना ही रही थी। यहाँ बैरी रीजन की जो मीजोडर्म है उसने भी एक्टोडर्म की बात सुनी और उसने भी यहाँ पर नोटोकॉर्ड फॉर्म कर दी, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। अब यहाँ पर जो हमें मिला है इंडिविजुअल, वो आप देख सकते हो इसके बैरी रीजन पर भी डॉर्सल साइड के ऑर्गन्स मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक एक्सपेरिमेंट, यही वाला एक्सपेरिमेंट है इनफैक्ट, लोगों को इसका लिंक दे रही हूँ, इस लिंक को देखो। एक मिनट रुको, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।